दिल्ली के आईटीओ राजघाट समेत कई स्थानों पर बाढ़ का पानी भर गया है। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों को दफ्तर या किसी जरूरी काम से जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिनके पास अपने वाहन हैं, पानी में चलाने से उनके वाहन बंद पड़ गए हैं। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। क्या परेशानी है आपको बारिश की? पानी भर, सारी जगह पानी पानी भरा हुआ है, कोई हिसाब नहीं, पानी की लिमिट नहीं है। हाँ। इतना पानी है, कोई सुविधा नहीं है रास्ते में। हाँ। बहुत ज्यादा कोई सुविधा नहीं है। आईटीओ से हम वहाँ से गीता कॉलोनी से धक्के खाते वाले घूमते घूमते कहीं रास्ता नहीं है कोई। तो सर आपको किसी स्कूटी पर आए थे, स्कूटी क्या? स्कूटी बंद हो गई, पानी भर गया स्कूटी में, यहाँ पैदल लेके जा रहा हूँ मैं। तो आप कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं सादरा से आ रहा हूँ, कृष्णा नगर से। और कहाँ जाएंगे? मैं कोरलबाग जाऊँगा इस समय। तो सर कितनी दूर से धक्का मारते हो आप? वहाँ से 1 किलोमीटर में पानी में डूब गया, भी बंद हो गई वो। तो अब कैसे करेंगे धक्का मारते? अब धक्के मारते देखे स्टार्ट होती हो ठीक है, नहीं तो पैदल ले जाएंगे या फिर कोई कन्वेंस मिल जाएगी तो होगा व्यवस्था। बाकी बहुत परेशानी है, पानी इतना भर गया है सब जगह। बारिश तो नहीं हो रही है, जो जमुना का बाढ़ आ रही है उसके बिना, बारिश के बाढ़ आ रही है उससे समस्या है। गाड़ी बंद पड़ के जल्दी ड्यूटी पे पहुंचना था, पहुंच नहीं पाया। तो आपके कहाँ ये स्कूटी कहाँ पर बंद हुई? ये जो पानी में उसमें अभी अच्छा। पानी के बीच में आधे आया आधे बंद हो गई। तो आप कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं सादरा से आ रहा हूँ। सादरा रहते हैं। और आपको जाना कहाँ पर है? नई दिल्ली स्टेशन। मतलब आप स्कूटी यहीं छोड़कर जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं अभी वो ठीक कराऊँ ना, इसके भाई से ठीक हुई नहीं, इसको कहूँगा थोड़ा वो मिस्त्री का, कोई और मिस्त्री के वहाँ छोड़ देगा ये, इसके पास भी स्कूटी जब मैं बैठ गया धक्का मार देगा। सर कितनी दूर से धक्का मार के आना पड़ा? मैं पानी में से उसमें से आ रहा हूँ, ये मिस्त्री के यहाँ लेके आया हूँ। तो ड्यूटी में भी आपकी लेट हो रहा? लेट हो गया हूँ, हो रहा क्या, काफ़ी लेट हो रहा। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं लक्ष्मी नगर से आ रहा हूँ। तो आपको कोई आने के लिए कोई साधन अभी मिला है या नहीं? नहीं, कोई बस नहीं, कोई कन्वेंस नहीं, कोई ऑटो नहीं, कोई रानी जी नहीं, और जो आ भी रहे हैं वो मुँह मांगे पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, तो लक्ष्मी नगर से पैदल ही आप आ रहे हैं? हाँ जी। तो कितने किलोमीटर चल के आए होंगे? करीब 4-4.5 किलोमीटर। तो अभी आप आगे कहाँ जाएंगे? अभी आगे मुझे यहाँ बाल भवन वाले रोड के पास जाना है। तो आप क्या वहाँ सर्विस करते हैं गवर्नमेंट? हाँ जी, नहीं प्राइवेट है। प्राइवेट सर्विस करते हैं। हाँ। तो जो कन्वेंस ना होने की वजह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी हो रही है, 8:15 का चलवाऊँ अभी पहुँचाऊँ। कितने घंटे चलना पड़ा था आपको? हाँ अभी टाइम कितना हो रहा है आप देखिए, 9:45 हो रहे हैं, अब लगा लो 8:20 से मैं 8:15 निकला था घर से, और अब 9:45 हो रहे हैं, अभी भी 5-7 मिनट और लगेंगे।